हेलो गाइस, यह है मसल लेगेसी। मैं हूं संकेत। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि मास मॉन्स्टर्स का एरा कब और कहां से शुरू हुआ। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखें। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मास मॉन्स्टर्स के पहले हमें देखना होगा कि बॉडी बिल्डिंग इन मास मॉन्स्टर्स के एरा से पहले कैसी थी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि 1970s से लेकर 1991 तक अर्नोल्ड, फ्रैंक ज़ेन, ली हेनी, इन लोगों की एस्थेटिक फिजिक्स और क्लासिक फिजिक्स का एक तरफा राज हुआ करता था। 1990s तक एस्थेटिक्स को काफी प्रेफरेंस दी जाती थी साइज के ऊपर। 1990 तक हुआ कुछ ऐसा कि उस टाइम पर रेसलर्स, बेसबॉल प्लेयर्स, इनकी फिजिक्स भी ओलंपिया प्रोपोर्शंस की होने लगी थी। गाइज, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं बाकी और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशनिंग होती है, सिमेट्री होती है और काफी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। तो आपने WWE में देखा होगा कि उस टाइम के काफी रेसलर्स बड़े ह्यूज हुआ करते थे, तो बॉडी बिल्डिंग और बाकी चीजों में ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया था। तो बॉडी बिल्डर्स को अपने में और दूसरों में कुछ तो डिफरेंस बनाना ही था। तो यहाँ से शुरू होता है मास मॉन्स्टर्स का एरा। तो गाइज, मास मॉन्स्टर्स का एरा ये जो था, ये शुरू हुआ था सबसे पहले डोरियन येट्स से। डोरियन येट्स ऐसे पहले बॉडी बिल्डर थे जिसने ये सब ट्रेंड में लाया। तो डोरियन येट्स ने डेब्यू करा था 91 मिस्टर ओलंपिया में, जहां पर उनकी प्लेसिंग आई थी सेकंड। उस टाइम पर ली हेनी चैंपियन हुआ करते थे, जो 1991 में अपना आखिरी यानी कि 8th मिस्टर ओलंपिया टाइटल लेने आए थे। तो गाइज, हमेशा से एक बात कही जाती है कि ली हेनी काफी स्मार्ट बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि अब एरा बदलने वाला है। वो समझ गए थे कि बॉडी बिल्डिंग यहाँ से बदलने वाली है और वो साइज गेम नहीं खेल सकते थे। हालांकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी साइज गेम खेलने की, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके थे अर्नोल्ड का, जो कि था 7 मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स का। वो ऑलरेडी 8 टाइटल्स जीत चुके थे, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता था अपना साइज बढ़ाकर कम्पीट करने का। तो उस टाइम पर उन्होंने रिटायर होना ही अच्छा समझा और वो 1991 में अपना आखिरी 8th सैंडो लेकर वापस चले गए। उसके अगले ही साल 1992 में डोरियन ने जीत लिया अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल। तो यहाँ काफी अच्छी फिजिक लेकर आए थे वो, लेकिन हमने उनका मास मॉन्स्टर लुक अभी तक देखा नहीं था, जो कि हमने देखा असली में 1993 में। 1993 में वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर थे। 1992 में डोरियन येट्स हुआ करते थे 250 पाउंड्स के आसपास, और 1993 में वो लेकर आए थे 267 पाउंड्स की फिजिक, एकदम से 17 पाउंड्स का जंप। ये काफी बड़ा जंप होता है गाइज, इतना मसल मास गेन करना एक साल में काफी बड़ी बात होती है। तो गाइज, ये थी शुरुआत मास मॉन्स्टर्स एरा की। गाइज, ली हेनी ने जीता था अपना 8th टाइटल 31 साल की उम्र में। उन्होंने काफी जल्दी रिटायरमेंट ले ली अपनी करियर में। वो कहीं ना कहीं जान गए थे कि वो अगर अगले एक या दो साल भी कम्पीट करते हैं तो वो अपना टाइटल गवा देंगे, तो काफी स्मार्टली वो डिपार्ट कर गए। डोरियन ने एक ऐसी फिजिक दिखाई थी जजेस को कि जिसके बाद जजेस का देखने का एक नजरिया बदल सा गया था बॉडी बिल्डर्स की तरफ। जजेस चाहते थे कि मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कुछ इस तरह का हो। इसका मतलब जो भी बंदा चैंपियन बनना चाहता है उसको एक मासी लुक लेकर आना होगा। इसके आगे कई बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने एस्थेटिक फिजिक्स और क्लासिक फिजिक्स के दम पर डोरियन को हराने की कोशिश की, जैसे कि शॉन रे हो गए। ये डोरियन को कभी नहीं हरा पाए। डोरियन के करियर में एक और मास मॉन्स्टर के साथ उनकी कॉम्पिटिशन हुई थी, जो कि थे नासिर अल सनबाटी। डोरियन के आखिरी साल में नासिर ने उन्हें काफी पुश किया था ओलंपिया टाइटल के लिए। काफी लोगों का मानना है कि वो डोरियन वहां पर डिजर्व नहीं करते थे जीतना, वहां पर नासिर जीतने चाहिए थे लेकिन वो नहीं जीते, तो यहाँ पर डोरियन येट्स का टाइम खत्म हो जाता है। तो डोरियन के बाद हमने उनसे भी और बड़े बड़े मास मॉन्स्टर्स देखे, जैसे कि मार्कस रूल हो गए, पॉल डेलेट हो गए और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हमने देखा। तो गाइज, इसके बाद टाइम आता है रॉनी कोलमन का, द किंग। ये इस मास मॉन्स्टर लुक को एक अलग ही लेवल पर लेके चले गए। गाइज, रोनी ने डेब्यू करा था 1992 में, जहां पर उनकी प्लेसिंग आई थी 16th, 95 में उनकी प्लेसिंग आई थी 11th, 96 में उनकी प्लेसिंग आई थी 6th, 97 में 9th और 98 में 1st। जी हाँ, 1st पोजीशन। जहां पर 97 में उनकी प्लेसिंग 9th आ रही थी, तो अचानक से 98 में उन्होंने 1st प्लेस लाकर दिखा दिया। 97 की फिजिक और 98 की फिजिक अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड, तो इनमें काफी बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है। रोनी ने काफी मसल मास गेन कर लिया था इस एक साल में,
और वो बिल्कुल बन गए थे एक बहुत बड़े मास मॉन्स्टर। आपने देखा होगा कि बाकी बॉडी बिल्डर्स अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने से उसके एक साल पहले टॉप थ्री में कहीं पर प्लेस होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1991 में डोरियन जीतने से पहले सेकंड आए थे लियनी के साथ में, और 2005 में जे कटलर भी सेकंड आए थे रॉनी के साथ, 2007 में डेक्स्टर थर्ड आए थे और फिलहित 2010 में सेकंड आए थे। लेकिन अगर हम देखें रॉनी का तो रोनी बिल्कुल 97 के नाइन्थ प्लेसिंग से सीधा फर्स्ट प्लेस पर आ गए। ये समय आते आते बॉडी बिल्डिंग का जजिंग क्राइटेरिया काफी चेंज हो गया था, जिसके अंदर जजेस डिमांड करते थे कि बॉडी बिल्डर की साइज भी हो, कंडीशनिंग भी हो, सिमेट्री भी हो, एक ओवरऑल पैकेज हो बॉडी बिल्डर। रॉनी की 1999 की फिजिक बेस्ट मानी जाती है आज तक। लेकिन अगर हम बात करें रॉनी की सबसे बड़ी फिजिक, रॉनी अपने पूरे करियर में 2003 में सबसे बड़े थे, तो एक स्टैंडर्ड सा बन चुका था कि आपको फिजिक बड़ी लेकर आनी पड़ेगी अगर आप जीतना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बिग रामी की। हाँ, बिग रामी अभी रीसेंट टाइम्स के सबसे बड़े मास मॉन्स्टर बिग रामी ही हैं। गाइस, बिग रामी आज तक के सबसे हेवीएस्ट बॉडी बिल्डर है जिन्होंने स्टेज पर कदम रखा है। इनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2015 में इन्होंने 316 पाउंड्स की फिजिक लेकर ये स्टेज पर चढ़े थे, ये आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, बिग रामी ने डेब्यू करा था 2013 में, जहां पर उनकी 8th प्लेस आई थी, 2014 में उनकी आई थी 7th प्लेस, 2015 में 5th और 2016 में 4th। गाइस, 2017 में आप लोग जानते ही होंगे कि उनकी 2nd प्लेस आई थी, फिलहित की 1st थी, यहां पर उनकी बेस्ट प्लेसिंग आई थी आज तक की। इसके बाद में 2018 में उनकी बिल्कुल प्लेसिंग नीचे उतर गई थी, तो इसके बाद में वो भी कमबैक करेंगे, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छी फिजिक लेकर आएंगे कंडीशनिंग के साथ। लेकिन गाइज, एक बात ये भी है कि डोरियन येट्स, रॉनी कोलमैन साइज के साथ साथ एक कंडीशनिंग भी लेकर आया करते थे। वो गाइज सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साइज लेकर आया करते थे और कंडीशनिंग जीरो होती थी, वो साइज और कंडीशनिंग दोनों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा लेकर आते थे स्टेज पर कि बिल्कुल दूसरे बॉडी बिल्डर्स टिक ही नहीं पाते थे उनके सामने। लेकिन अगर आप बिग रामी की बात करेंगे तो रामी के पास साइज तो बहुत है, लेकिन कंडीशनिंग वो कभी लेकर नहीं आते स्टेज पर। जिस दिन रामी कंडीशनिंग स्टेज पर लेकर आ गए, उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला, ये बात तो फिक्स है। क्योंकि रामी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो रामी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर केस में, लेकिन सिर्फ कंडीशनिंग की कमी है इसके अंदर। तो गाइस, रीसेंट टाइम्स में बिग रामी एक ऐसा एग्जांपल है जो कि हमें बताते हैं कि सिर्फ साइज होने से काम नहीं चलने वाला, आपको कंडीशनिंग भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिग रामी कंडीशनिंग कभी स्टेज पर लेकर आए और हम उनका बेस्ट पैकेज कभी देख पाए। तो गाइज, यही था वीडियो में, हमने देखा कि मास मॉन्स्टर्स का एरा कब और कहां से शुरू हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।